So how to access query parameters in Express.js? Express.js के अंदर query parameters हम कैसे receive करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि Express.js क्या है और इसके through हम query parameters को कैसे receive कर सकते हैं। तो previous video के अंदर मैंने आपको Express.js कैसे install करना है। Basically Express.js एक web server create करने के काम आता है। तो Express.js मैंने आपको install करके बता रखा है previous video के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेरी पैरामीटर्स आपको रिसीव करना मैं बताऊंगा, हाउ टू एक्सेस और रिसीव क्वेरी पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, किस तरीके से हम क्वेरी पैरामीटर्स को रिसीव करें एक्सप्रेस जेएस के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें क्वेरी पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा कि ये क्वेरी पैरामीटर्स होता क्या है। सो पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर रिसीव्ड इन यूआरएल। जब भी आप किसी यूआरएल पर विजिट करते हैं, जैसे कि यहां से मैं फ्लिपकार्ट को विजिट करके बताता हूं। सो फॉर एग्जांपल ये flipkart.com को मैं विजिट किया यहां से और किसी भी एक लिंक पे क्लिक करूंगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने यूआरएल को केयरफुली ऑब्जर्व करना। सो ये जो है बेसिकली मेरा यूआरएल है और यहां पर आप देखिए इस पूरे यूआरएल में आपको पहला क्वेश्चन मार्क जहां मिल जाए, पहला क्वेश्चन मार्क जहां मिल जाए उस क्वेश्चन मार्क के बाद से जितना भी है वो आपके पैरामीटर्स का कलेक्शंस हैं। सो यहां पर मैं जो है आपको ये बताता हूं, ये देखिए क्वेरी पैरामीटर्स कहां से चालू होते हैं, क्वेश्चन मार्क से चालू होते हैं। तो पहले पैरामीटर नेम वन और पैरामीटर वन की वैल्यू, फिर आपको मिलेगा एम्परसेंड, फिर दूसरा पैरामीटर, फिर इक्वल टू, फिर उसकी वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। तो क्वेरी पैरामीटर्स का पैटर्न समझना जरूरी है कि क्वेरी पैरामीटर्स मिलते कहां हैं। क्वेरी पैरामीटर्स हमेशा कहां मिलते हैं, यूआरएल पर। और यूआरएल मतलब किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करते हो, ब्राउजर टैब में उसका जो एड्रेस लिखते हो वो यूआरएल कहलाता है। फ्लिपकार्ट एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, किसी भी लिंक पे क्लिक करो और flipkart.com के बाद आप उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, उस जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है उस स्ट्रिंग में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क जहां मिल जाए उसके बाद से आपको उसको हमेशा नेम इक्वल टू वैल्यू एंड नेम इक्वल टू वैल्यू करके आपको रीड करना है। सो यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद पहला जो ये लिखा हुआ है एसआईडी, ये पैरामीटर है और ये ओएसपी और सीआईएल जितना लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू है। फिर आप देखिए एम्परसेंड मिला हुआ है, एम्परसेंड के बाद पी से लेके कैपिटल डी तक ये पैरामीटर, ये सेकेंड पैरामीटर है और ये उसकी वैल्यू यहां तक पूमा तक उसकी वैल्यू है। उसके बाद वापस से आपको क्या मिला, एंड, और उसके बाद फिर आपको मिला सॉर्ट, सॉर्ट इज इक्वल टू पॉपुलर। एंड इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं। सो यहां पर मैं अभी दो ही लेके बता रहा हूं, नेम वन इज इक्वल टू वैल्यू वन एंड नेम टू इज इक्वल टू वैल्यू टू एंड नेम थ्री इज इक्वल टू वैल्यू थ्री एंड सो ऑन। तो किसी भी यूआरएल पर कितने पैरामीटर्स भेजे जा सकते हैं ये है ना, कितने भी हो सकते हैं डिपेंड कर। तो हमारा टास्क यही है कि इन पैरामीटर्स को रिसीव कैसे किया जाए एक्सप्रेस जेएस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक्सप्रेस जेएस सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। सो क्रिएट करने के लिए आप एक्सप्रेस जेएस सर्वर जो है आप क्रिएट करें। सो यहां पर मैं गया और एक फोल्डर मैंने यहां पर बनाया। सो वेब सर्वर टू नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया और यहां पर गिट बैश हियर किया मैंने, और गिट बैश हियर करने के बाद इसको फॉन्ट साइज में बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूं। सो कोड डॉट आपने किया, कोड डॉट करने से क्या होगा, वीएस कोड स्टार्ट होगा एंड उसके बाद आप इस टर्मिनल को बंद कर दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है बैश टर्मिनल की, क्योंकि वीएस कोड के अंदर बिल्ट इन टर्मिनल है। तो बिल्ट इन टर्मिनल को आपने स्टार्ट किया और सबसे पहला काम है आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना, जो कि आपकी बनेगी npm init dash y आप करेंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन जाएगी। ये पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई। उसके बाद आपका काम है एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना। सो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए npm install dash dash save और उसके बाद आप एक्सप्रेस लिख सकते हैं। कई बार बच्चे जो है npm install express फिर dash dash save लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी dash dash save फ्लैग आगे पीछे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इंटर करना है। ये जब कमांड आप हिट करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में जो है इंटरनेट कनेक्टेड हो, अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्टेड हो तो ये इजीली डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल रीड करना है और
ये मैंने थोड़ा सा इसको डाउन किया और पैकेज डॉट जेसन फाइल में आप देखिएगा सबसे पहले ये मेन लिखा हुआ है। सो मेन के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस है, मतलब आपकी मेन रनिंग फाइल जो है, मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी है। सो वो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस है। आप चाहें तो यहाँ से नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर उसी नाम से बनानी पड़ेगी, और आप डिफॉल्ट लेना चाहते हो तो आपकी जो पहली फाइल है उसका नाम कंपल्सरी क्या होगा, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, और यहां पर मैं अभी टेस्टिंग के लिए सिर्फ कॉन्सोल डॉट लॉग कर देता हूँ, वर्किंग कर देता हूँ, और यहां से मैंने लिखा वर्किंग। अब इस फाइल को रन करने का पहला तरीका तो ये हो गया कि आप नोट करके इंडेक्स डॉट जेएस करें, ये वर्किंग आ गया, मगर यहां से सर्वर क्विट हो गया। सो आपको ऐसा चाहिए कि बेसिकली इसको रन करने का दूसरा कमांड भी है कि यहाँ स्टार्ट स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। सो यहां पर मैंने स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखा कोलन, और यहां से अगेन जो है आप नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस किया। अब नोड स्पेस फाइल का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनपीएम स्टार्ट करना है। तो दो तरीके से आप रन कर सकते हो, ये आप देखिए वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है, ये वर्किंग आ रहा है। अब जो है हमें ये देखना है कि जब भी मैं इंडेक्स फाइल में कुछ भी चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर जो है रीस्टार्ट हो जाए, उसके लिए नोडमोन लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना है। सो npm install -g, और यहां पर मैंने लिखा नोडमोन। सो नोडमोन क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन में आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कुछ भी अगर आपने चेंजेस डिटेक्ट किए हैं तो वो उसको एप्लीकेशन को बंद करके वापिस से रीलॉन्च कर देता है। तो नोडमोन हम यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और जो है तब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है एक्सप्रेस की npm js पे जाके एक्सप्रेस को ढूंढ के उसका डिफॉल्ट पेज ओपन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस लिखा, यहाँ पर गए और जो डिफॉल्ट एक्सप्रेस का कोड है वो आप कॉपी कर लेना। सो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गए और ये भी इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ पर हम गए और यहाँ पर आप एक कॉल बैक फंक्शन ले लेना। सो यहाँ पर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लिया, और यहाँ पर मैं कॉन्सोल लॉग करवा देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने बोला सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000 मैंने लिख दिया। अभी ये हार्ड कोडेड लिख रहा हूं मैं स्ट्रिंग में, मगर आप बेटर है कि आप इसी वेरिएबल को यूज करें। सो ये 3000 को है, जावास्क्रिप्ट में कोई सा भी वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं लेट करके। सो लेट मैंने पोर्ट क्या किया 3000 किया, ठीक है 3000 किया, और इस पोर्ट वैल्यू को मैं कहां यूज कर सकता हूं, यहां पर, और यहां पे जो मैंने हार्ड कोडेड लिख रखा है, और यहां पर मुझे वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन जो है सिंगल कोटेशन में नहीं होता है, डबल कोटेशन में नहीं होता है, बैकटिक वाले कोटेशन में वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसको जो है मैं बैकटिक कोटेशन में पहले कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद अंदर आने के बाद आपको क्या लिखना है डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद आप अपना वेरिएबल नेम, इतना सा आपने लिखा, उसके बाद आप इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए पैकेज डॉट जेसन में गए और इसको नोड के बाद MON कर देना, नोडमोन स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, और वो भी स्टार्ट स्क्रिप्ट में। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप npm स्टार्ट करें, और यहां पर देखना कि अब आपका सर्वर जो है एग्जिट नहीं करेगा, ये यहां पर एग्जिट नहीं कर रहा है, टर्मिनल नहीं आ रहा है नया टर्मिनल। सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। ठीक है, अब जो है आप चाहें तो इस वेरिएबल को, ये जो ग्लोबल, ये जो वेरिएबल है आप ऊपर ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि जनरली वेरिएबल्स ऊपर ऊपर डिक्लेयर होते हैं, तो मैंने ऊपर ऊपर ले लिया उसको और नीचे यूज कर लिया उसको। सो इस तरीके से ये जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा तो देखो ये यहाँ से नोडमोन वापिस से रिलॉन्च हो गया है। तो ये तो था सिंपल सा हमारा एक्सप्रेस जेएस सर्वर क्रिएट करना। सो ये आप देखिए कि मैंने डिफॉल्ट यहाँ पर हिट किया। अब मैं चाहता हूँ कि किसी एक राउट पर जाने के बाद, जैसे यहाँ पर मेरा है टेस्ट राउट नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर आना चाहिए हेलो फ्रॉम टेस्ट राउट आना चाहिए। तो पहले तो राउट बना लेते हैं। सो राउट बनाने के लिए ये एप डॉट गेट का जो पूरा कोड है ये आप एज इट इज लिखें। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर काम कैसे कर रहा है। सो एक्सप्रेस इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस एक फंक्शन है, ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। सो एप डॉट गेट, सो गेट एक मेथड है एप ऑब्जेक्ट की, तो उसी तरीके से इसी को देखते हुए आपको सेम टू सेम यहां पर बनाना है। एप डॉट गेट मेथड को कॉल किया, पहला मेथड हमेशा स्ट्रिंग होगा जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा, हमारा राउट होगा। सो यहां पर मैंने बोल दिया टेस्ट राउट, और दूसरा जो है वो आपका कॉल बैक फंक्शन होगा।
कॉल बैक फंक्शन देने के दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल फंक्शन यूज करें या फैट एरो फंक्शन यूज करें। सो ऊपर तो नॉर्मल फंक्शन यूज है, बट यहां पर जो है मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। मैं दो पैटर्न इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं कॉल बैक में और फैट एरो भी लिख सकते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स है, आरईक्यू का मतलब रिक्वेस्ट है और आरईएस का मतलब रिस्पॉन्स है। ये दोनों ही आप यहां से कॉपी कर लें और इसी फैट एरो के इसमें सेम टू सेम यहां पर भी आपको पास करना पड़ेगा। सो पहला पैरामीटर कॉल बैक का जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेस्ट का शॉर्ट फॉर्म आप आरईक्यू लिखें और रिस्पॉन्स का शॉर्ट फॉर्म आपको आरईएस लिखना है। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आए, इंटर किया और आपको यहां पर अगेन वही लिखना पड़ेगा आरईएस जो यहां पर लिखा हुआ है वो के वही आपने यहां पर लिखा। सो मैंने कॉपी किया और यहां से मैंने इसको भेजा। सो आरईएस डॉट सेंड हेलो फ्रॉम, यहां पर मैंने लिख दिया टेस्ट राउट, इतना आपने किया। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो आपको ये टर्मिनल पे आप ध्यान देना नोडमोन क्या कर रहा है, एप्लीकेशन को बार बार रीस्टार्ट कर रहा है। सो यहां पर हम गए और इस टेस्ट राउट को पहले तो क्या आ रहा था, कैन नॉट गेट टेस्ट राउट, हम गेट नहीं कर सकते क्योंकि राउट डिफाइन था ही नहीं। और अब जो है इस राउट को मैंने डिफाइन कर दिया है और जैसे ही मैं हिट करूंगा तो अब क्या आ जाएगा, हेलो फ्रॉम टेस्ट राउट। अब मुझे है टेस्ट राउट के बाद यहां पर क्वेरी में मैं यहां पर लिखना चाहता हूं नेम इज इक्वल टू अनिल लिखना चाहता हूं एंड सरनेम इज इक्वल टू सरनेम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा और इन दोनों जो है वैल्यूज को मैं यहाँ गेट करना चाहता हूँ। सो नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिखा अनिल एंड सरनेम इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिखा और इंटर किया। तो ये जो है मेरे क्वेरी पैरामीटर्स हैं, ये क्वेरी स्ट्रिंग है, क्वेरी पैरामीटर्स है। हाउ मेनी क्वेरी पैरामीटर्स कैन बी पॉसिबल इन द क्वेरी स्ट्रिंग, इट इज अनलिमिटेड। आप कितने भी क्वेरी पैरामीटर्स दे सकते हैं और अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड, इसकी भी जो जो एड्रेस में टाइप करने की भी एक कैपेसिटी होती है वो होती है 2048 कैरेक्टर्स। तो ये जितना भी आपने टाइप किया है ना, ये जितने भी कैरेक्टर टाइप किए हैं ना, ये 2048 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपके क्वेरी स्ट्रिंग में भी पैरामीटर्स उस हिसाब से आपको लिखने हैं। तो अभी तो मैं सिंपल सा नेम और सरनेम लिखा है, तो अब इन नेम और सरनेम पैरामीटर को रिसीव कहाँ करना है। तो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि हेलो अनिल डॉलर फ्रॉम टेस्ट राउट ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए। तो डेफिनेटली जो पैरामीटर हमने भेजे हैं उनको रिसीव करना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बेसिकली। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट के साथ साथ आपके पास सारा वो डाटा आ रहा है जिसे आप वो रिसीव करना चाहते हैं। सो जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट का अगर कोई भी आपको डेटा रिसीव करना है तो आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो रिक्वेस्ट डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे req ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। सो यहां पर जाके हम समझते हैं कि req के अंदर आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा एक टेस्टिंग कर सकते हो कि यहाँ कॉन्सोल लॉग किया और कॉन्सोल लॉग में आप req को कॉन्सोल लॉग करवा लें, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं एंड देन यहां से आप इसको हिट करेंगे और आपकी नजर जो है यहाँ होनी चाहिए कॉन्सोल पे क्योंकि लॉग किया है मैंने कॉन्सोल लॉग। सो कॉन्सोल लॉग ये एरिया है जहां पर अभी टर्मिनल आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही मैं यहाँ पर हिट करता हूं तो ये देखिए इतना कुछ आ गया है। अभी स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत आएगी कि ये क्या है, मगर ये बहुत कुछ है इसके अंदर एक रिक्वेस्ट के अंदर। सो यहां पर आप किसको एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे क्वेरी पैरामीटर्स को हम रिसीव करना चाहते हैं क्वेरी पैरामीटर्स को। सो क्वेरी पैरामीटर्स जो है आपके क्वेरी पैरामीटर्स आपके रिक्वेस्ट के यहां पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर आपके सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है। सो रिक्वेस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगेन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर यहां पर लिख दूं, सो req इज व्हाट ऑब्जेक्ट एंड क्वेरी इज व्हाट पैरामीटर प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर तीन मेंबर होते हैं, प्रॉपर्टीज होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड होता है। तो req क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बना बनाया आता है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्वेरी प्रॉपर्टी कहते हैं और इस क्वेरी प्रॉपर्टी के अंदर हर एक वो चीज अवेलेबल है जो कि आपको क्वेरी के थ्रू आने वाले पैरामीटर्स को आपको रिसीव करने के लिए। सो यहां पर मैं गया और इसको थोड़ा सा कंट्रोल एल कर देते हैं
एनपीएम स्टार्ट किया और आप देखिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा जो है ये यूआरएल पर गया, लास्ट लास्ट में ये देखना नेम इज इक्वल टू अनिल, सरनेम इज इक्वल टू डॉलर, ये मैंने लिखा और जैसे मैं इंटर करूंगा आपको ध्यान यहां देना है। और मैंने अब क्या लॉक करवा रखा है, कौनसो लॉक क्या करवा रखा है, आरईक्यू डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी वाला प्रॉपर्टी मैंने कौनसो लॉक करवा रखा है। तो देखो जैसे ही रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी किया, बाहर का पैटर्न हमेशा समझो कि बाहर क्या आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट। सो एक ऑब्जेक्ट दे दिया उसने और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं नेम और सरनेम दोनों को ही एक्सेस कर सकता हूं। सो अब मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर आ क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। बाहर वाला पैटर्न क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कर्ली ब्रेसेस बन रहा है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आपको कोई भी मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट करके आप एक्सेस कर सकते हैं। सो यहां पर मैंने क्या किया, नेम किया। सो मैं अपने नेम को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम करूंगा, और ये चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। अब मैं ब्राउजर में गया और यहां पर मैंने लिखा, देखो अनिल आ गया। अब मुझे सरनेम को प्रिंट करना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, कॉन्सोल लॉग करवाऊंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, सरनेम। सेव किया और सेव करते ही आप देखो नोडमोन क्या कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर रहा है। और यूआरएल पर जाके देखना, यहां पर अभी डॉलर मैंने पास किया हुआ है, तो ये देखिए अनिल डॉलर आ गया। अब ये जो है ये रिस्पॉन्स एक्चुअल में मैं कंसोल लॉग पे नहीं देखना चाहता हूं, मैं एक्चुअल ब्राउजर में देखना चाहता हूं। यहाँ पर जो ये ब्राउजर आना है ना, यहाँ देखना चाहता हूँ। तो जब भी आप ब्राउजर पर देखना चाहते हैं तो सर्वर से आपको क्या भेजना पड़ेगा, रिस्पांस भेजना पड़ेगा, तो आपको आरईएस ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पर मुझे हेलो अनिल डॉलर लिखना है, तो जहां मेरा कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है वहां पर मुझे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट यूज नहीं कर सकते हैं, डबल कोट यूज नहीं कर सकते हैं, हमें बैकटिक वाला स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। तो ये बैकटिक वाला स्ट्रिंग मैंने लिया और यहां पर जो है हम उन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। सो लेट एन फॉर नेम, सो ये मैं एक वेरिएबल में रख देता हूं ताकि इजी हो हमारे लिए एक्सेस करने के लिए। और लेट सर नेम, सो एस नेम इज इक्वल टू आर ई क्यू डॉट क्वेरी डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सरनेम, और ये सेमीकोलन लगा दिया। सो एन वेरिएबल में क्या अवेलेबल है, मेरा नेम, और एस एन वेरिएबल में क्या है, मेरा सरनेम। सो मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल है। अब क्या मैं बैकटिक वाली स्ट्रिंग में वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ यही है कि आपको एक डॉलर लगाना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है और अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। सो पहला वेरिएबल मेरा एन हो गया। अब दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरे वेरिएबल के लिए या तो आप डायरेक्टली एक और दूसरा डॉलर और वो आप लिखें, सो डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यहां पर एस एन लिखा, और आप आउटपुट देखें यहां पर, और यहां पर मैंने लिखा हेलो अनिल डॉलर, और ये देखो रिस्पांस में आ गया। अब यहां से मैं अगर मैंने लिखा हेलो दिलीप और यहां पर सरनेम लिखा फॉर एग्जाम्पल माली लिखा मैंने और इंटर किया, तो ये आ रहा है रिस्पांस में मेरे पास क्या आ रहा है, हेलो दिलीप माली। सो जैसा पैरामीटर अगर होगा वैसे आपके रिस्पांस में भी उन वेरिएबल्स को रिसीव कर रहा है, हेलो दिलीप शर्मा। सो इस तरीके से आप जो है क्वेरी पैरामीटर्स को आप एक्सेस कर पा रहे हैं। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले इसकी रिपोजिटरी बना के मैं गिटहब पे अपलोड करके बता देता हूं। सो ये मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, ये मैंने इसको कंप्लीट करके बताया है हाउ टू एक्सेस एंड रिसीव क्वेरी पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस जेएस। सो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एंड पॉइंट बनाना है, इसको आप क्या कहते हैं, एंड पॉइंट, आज से हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं, या तो आप एंड पॉइंट बोले या फिर आप क्या कहें, राउट कहें। तो मैंने एक राउट बनाया, मैंने एक एंड पॉइंट बनाई, चाहे मैं एंड पॉइंट बोलूं चाहे मैं राउट बोलूं एक ही बात है। सो आपको एक नया राउट बनाना है, कॉल बैक फंक्शन आपने दिया, और क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू अगर पैरामीटर आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पैरामीटर नेम। सो यहां पर वापस से मैं लिख देता हूं कैसे रिसीव करना है आपको, आपको रिसीव करना है, आपको रिसीव करने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पैरामीटर नेम, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर
नेम। ये फॉर्मूला अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप अपने क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आने वाले पैरामीटर्स को एक्सप्रेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब जो है आपको इसी सोर्स कोड को मैं गिटहब पे आपको अपलोड करके बताता हूं। सो यहां पर मैं गिटहब पे गया और एक्सप्रेस क्वेरी पैरामीटर्स। सो मैंने नई रिपोजिटरी बनाई और यहां पर मैंने लिखा एक्सप्रेस क्वेरी पैरामीटर्स मैंने लिखा। डिस्क्रिप्शन में भी यही डाला, पब्लिक रिपोजिटरी बनाई, एड रीडमी फाइल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लोन में गया, कोड में गया, कॉपी किया और यहां पर गए। और अब आप अपना वेब सर्वर बंद कर दें चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मैंने बंद किया। सबसे पहला काम है गिट को इनिशियलाइज करना, गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज किया। फिर अगली कमांड आपको लिखनी है गिट रिमोट एड ओरिजिन, आपने लिखा एंड देन रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट किया। उसके बाद आपको स्टेज करना है, गिट एड डॉट से स्टेज किया, फिर गिट कॉमिट डैश एम और यहां पर ये मैंने कमेंट लिखा एंड गिट पुश ओरिजिन मास्टर कमांड से जो है मैं सर्वर पर ये कोड पहुंचा दूंगा। ये देखिए हमारा जो सोर्स कोड है वो पूरा गिटहब पे अवेलेबल है। आप लोग जो हैं इस गिटहब की रिपोजिटरी पे आप सोर्स कोड देख सकते हैं। अभी जो है मैंने सोर्स कोड मास्टर ब्रांच पे अपलोड किया है, मगर डिफॉल्ट अगर आप विजिट करते हो तो आपको मेन ब्रांच दिखाई देगी, आपको सोर्स कोड दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं अपनी डिफॉल्ट ब्रांच को क्या करने जा रहा हूँ, मेन मास्टर ब्रांच में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। मेरी अभी डिफॉल्ट ब्रांच मेन है तो मैं इसको अब चेंज करूंगा मास्टर से। सो मैंने अपडेट किया, आई अंडरस्टैंड, अपडेट द ब्रांच। और जैसे ही आप मेरे यूआरएल को विजिट करेंगे, ये मेरा यूआरएल रहा, इस यूआरएल को विजिट करते ही आपको पूरा सोर्स कोड जितना भी अभी मैंने लिखा है ये पूरा सोर्स कोड आपको गिटहब पर दिखाई देगा। धन्यवाद।